ये स्टूडेंट्स आजकल हमारा नया टॉपिक हम दे रहे हैं आपका द कोटन ग्रे वीविल। ठीक है भाई, कोटन ग्रे वीविल हम आपका काउंट करेंगे आपका। तो जैसे अब आप जनरली लोकल एक नाम आता है, तो वीविल को हम आपको कैसे आपको काउंट बताएंगे। इसे हम आपका जनरली लोकल जो नेम आपको काउंट होता है जो बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे गेहूँ होता है आपका, गेहूँ के अंदर अभी धूल लग जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी काउंट होती है आपके उसमें इंसेक्ट। ठीक है, तो टोटल ग्रे विविल आज हम आपका काउंट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल ग्रे विविल हम आपका काउंट करेंगे। इतने जनरली हम आपका भूल बोल सकते हैं, जनरली हम नियर बाय देख पाते हैं जो हमारे गेहूँ को खराब कर देते हैं, बारीक जो आपका फ्लोर कन्वर्ट कर देते हैं आटे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बारीक बारीक उसे, तो वो चीज़ आपकी काउंट होती है। तो ये लेकिन हम आपको आज कहाँ से पढ़ रहे हैं कि कॉटन पर आपका जो है काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो कॉटन ग्रेव आपका हम काउंट करेंगे आपका जनरली क्लास की बात हम आपको करते हैं। क्लास जो है आपकी इंसेक्ट का, ठीक है, सिस्टमेटिक पोजिशन कि हम आपको काउंट करेंगे इसका सिस्टमेटिक आपका क्लास। ठीक है, क्लास है वही आपकी जो आप पढ़ रहे हैं आपका पूरा इंसेक्ट है आपकी भाई। ठीक है, क्लास का है आपकी इंसेक्ट है, ऑर्डर आपका ऑर्डर जो है वो आपका कॉलिप्टेरा। ठीक है भाई, कॉलिप्टेरा जो है आपका ऑर्डर है। ये ऑर्डर हमें आपका कहते हैं आपका ऐसे इंसेक्ट मिलेंगे जिनके विंग्स या दूसरे शब्दों में हम आपको क्या कहते हैं आपके हार्ड। ठीक है, हार्ड विंग्स आपके काउंट होते हैं। ठीक है विंग्स क्या क्या काउंट होंगे आपके, या तो जनरली हम आपको काउंट करते हैं कि भाई ठीक है विंग्स जनरली हम आपका इसका काउंट करेंगे कि जो कॉलिप्टेरा जो आपका ऑर्डर है इसमें सीथ विंग्स। ठीक है, जो फोर विंग्स होते हैं इन इंसेक्ट के। ठीक है, इन्हें जनरली हम आपका आप काउंट भी कर सकते हैं आपके बीटल्स। ठीक है, बीटल्स आपका काउंट हम आपको कर सकते हैं आपका जनरली शाब्दिक अर्थ में। ठीक है भाई, तो क्लास आपकी इंसेक्ट है, ऑर्डर आपका कॉलिप्टेरा है। कॉलिप्टेरा ऑर्डर के अंडर आपके वो इंसेक्ट्स आएंगे जिनके फोर विंग्स पर आपकी हार्ड सीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, सीथ विंग्स कवरिंग। ठीक है, और या तो या फिर हम आपको काउंट कर सकते हैं आपके हार्ड विंग्स भी इनमें आपके होते हैं। जनरली याद रखने के कॉलिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स आपके काउंट होते हैं, तो आपके हार्ड सीथ जिनके आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, उसे हम आपका काउंट करेंगे। अब बात करते हैं आपका फैमिली की। फैमिली की जब हम आपको बात करेंगे, देखिए नई फैक्ट्री आपकी निकल के आती है आपका हम काउंट करेंगे आपका कुरकुलिनोइडे। ठीक है, इस फैमिली के अंदर आपके कौन से आपके ऑर्गेनिजम आपके आते हैं, इस फैमिली के अंदर आपके आएंगे पायलेटिडे। हमने आपको काउंट किया था फैमिली पिछले हमने आपको पढ़ा था, उसके अंदर आपके क्या थे आपके स्नाउट था वो छोटा था आपको। ठीक है, यानी कि आप भाषा में स्नाउट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या काउंट करा आपका लॉन्ग स्नाउट, यानी कि बॉडी को जब हम आपका देखेंगे तो उनका जो माउथ जो पार्ट है वो आपका ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू बॉडी। ठीक है, बॉडी को और आपके माउथ पार्ट को जब हम आपको कंपेरिजन बनाएंगे तो आप जो माउथ पार्ट है आपका, ठीक है, टेंटिकल वाला जो आपका रीजन उसमें आपका शो होगा एज कम्पेयर टू द बॉडी। ठीक है भाई, तो लॉन्ग स्नाउट क्या है आपका कुरकुलिनोइडे आपकी जो फैमिली है उसके अंदर आपको क्या काउंट होगा आपका लॉन्ग स्नाउट जो है आपका काउंट होता है। इस चीज को हम आपको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी क्लास इंसेक्टा और कॉलिप्टेरा। ठीक है, सी थ्री आपके होंगे और फैमिली आपका कुरकुलिनोइडे यानी कि लॉन्ग स्नाउट वाले में मिलेंगे। विविल को हम आपका बीटल और हिंदी में आपको कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन भाई, इसमें आपका सिंपल आपका बताया जाता है कि ये आपका ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, फाउंड इन इंडिया आपका। इंडिया के अंदर आपका जनरल मिलेगा, टिपिकल आपका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया दिया गया था, कोडिंग टू स्टेट्स आपका यूपी में एमपी में ऐसा कुछ काउंट नहीं हुआ था आपका, केवल पता नहीं जहाँ पर भी आपकी कोडिंग की आपकी जो है ग्रुप आपकी प्रोजेक्ट है इस प्रकार के अल्टरनेट होस्ट से। अब हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की, जो होस्ट प्लांट है आपका जो मेन है वो तो क्या है आपका टोटल, अल्टरनेट है आपके मॉन्टियस, मालवी से जो फैमिली होती है जिसके अंदर आपके म्यूसिलेजिनस आपके पार्ट जब आपके मिलते हैं, ठीक है भाई, तो अल्टरनेट होस्ट क्या कौन सा आपके मार्केट प्लांट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की और शो ऑफ प्लेन का, ठीक है, क्या क्या आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम इसके अब डाउट करेंगे जनरल अपील है, ठीक है। तो जनरल अपीयरेंस पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहले हम इसका काउंट करेंगे आपका जनरल अपीयरेंस पे आपका कलर, तो ये कलर हम देखेंगे आपका डार्क ग्रे कलर का होगा, ठीक है, कैसा होगा आपका डार्क ग्रे कलर का होता है। इसकी जो हम साइज की बात करते हैं आपका 4 मिलीमीटर, ठीक है, काफी इसका आपका जो है साइज आपका छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आप करते हैं जो व्हाइट आपकी जो है इसमें आपकी व्हाइट और ब्राउन मार्किंग आपके बने, ठीक है, ये चीजें हम इसमें आपका जनरल अपीयरेंस में आपका काउंट करते हैं। डार्क ग्रे कलर का ब्राउन को व्हाइट एंड ब्राउन आपके मार्किंग्स आपके काउंट होंगे जिस पर आपके 4 डिवीजन, ठीक है भाई, ये आपका काउंट होता है किसके अंदर आपका जनरल अपीयरेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके हैबिट्स की, हैबिट्स हैबिट्स में सबसे पहले हम जैसे आपका इसमें काउंट आपका जैसे ये बताएगा कि आपका कब एक्टिव होता है आपके टाइम में, तो जनरली इसका आप यहां पर कुछ अलग पॉइंट आपके लाइफ स्पैन जो इसका आपका 30 डेज, ठीक है, लाइफ स्पैन कितने डेज का है इसका आपका 30 डेज का है, और अपीयर आपका शो होता है कब आपका आता है एंड द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल जो मंथ होता है आपका उसके एंड में आपका जो है ये विजिबल आपका हो जाएगा और आपका फील करेगा, जो क्रोप्स होती है उस पर आपको क्या करेगा आपका फीड करेगा, ठीक है, जनरली क्रोप में आपको क्या काम होगा आपका रेटून जो क्रोप जैसा बताया हुआ है ऐसी फसलें आपकी होती है जिन्हें हम आपका अपर लेवल से ग्राउंड के अपर लेवल से उनकी रेटून जो है पहले उसमें आपको काउंट करते हैं, ठीक है। जो ग्रब इसमें एक चीज आपकी ग्रब्स जो आपका लार्वा, ठीक है, ग्रब जो आपका गोल करता है आपका स्टेम्स, ठीक है, जो ग्रब्स है वो आपका बोर्ड करेगा किसके अंदर आपका स्टैंड के अंदर, ठीक है, ग्रब हम किसे काउंट करते हैं आपका लाल बॉक को भी आपका जो है वो आपका करते हैं, ठीक है भाई, तो ग्रब से जो लाल, ठीक है, या सेंस टू सेंस में आपको कैटरपिलर भी बट नया वर्ड आपको काउंट होता है, ग्रब्स किसे काउंट कर रहे हैं आपका लार्वा को भी आपका काउंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपका जनरल अपीयरेंस और आपका हैबिट्स, नेक्स्ट देखिए हम आप करेंगे किसका आपका जिक्र करेंगे आपके लाइफ साइकिल का,
काउंट करेंगे आपका लाइफ साइकिल का, जब लाइफ साइकिल को जब हम आपका काउंट करेंगे तो, लेकिन लाइफ साइकिल जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है आपका ऑलमोस्ट 70 डेज, ठीक है भाई। कितना आपका ठीक है भाई, कितने में आपका 70 डेज में आपकी कंप्लीट आपकी हो जाती है और आपकी 5 जनरेशन, ठीक है भाई, 5 जनरेशन आपकी आती है पर ईयर, ठीक है। पूरे साल में इसकी कितनी जनरेशन आपकी आती है? 5 जनरेशन आपकी आती है। लाइफ साइकिल को जब हम देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कितना आपका 70 डेज के अंदर आपका काम का आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 4 आपकी स्टेज इसमें काउंट होती है, ठीक है भाई, और 5 आपकी जनरेशन काउंट हो जाएगी। तो 4 आपकी स्टेज है, आपका एग्स है, आपका ग्लव्स है, पुपा है और आपका अटंड, ठीक है। 4 आपकी स्टेज इसमें काउंट हो गया, एग्स, आपका ग्लव्स, आपका पुपा और आपका अटंड। अब हम लेंगे आपका 1 बाय 1, ठीक है भाई। फर्स्ट वन आपका एग्स, देखिए एक्स के बारे में जब आपका हम काउंट करेंगे तो आपका फीमेल आपका ले आउट करेगी आपका 20 to 30 एक्स इन साइड द बार को दस टाइम, ठीक है भाई। फीमेल ले एक्स बार स्पेंड इन 20 to 30, ठीक है भाई, जो आपका रूट्स में आपका काउंट करेगी और क्योंकि जो आपका जो नंबर होगा 20 to 30 नंबर समापन कर सकते हैं, ठीक है भाई। एग आपका कहाँ आपका देखिए बार ऑफ द स्टेम, ये चीज हमें याद रखना है आपका बार ऑफ द स्टेम, ठीक है भाई। वहां पर आपका जो है क्लियर आउट करेगी और भी आपके स्मॉल होते हैं साइज के अंदर आपका, और इन साइड द बार फोकस है, ठीक है, छोटे होंगे और आपका ओवल शेप होंगे सेकंड स्टेज जब आपका काउंट करते हैं। क्रब्स आल्सो कॉल्ड एज योर लार्वा, ठीक है भाई, क्रब्स को हम कहते हैं आपका लार्वा भी काउंट कर सकते हैं। जनरली वन मार्क भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड क्रब्स को हम कहते हैं आपका जनरल आपका लार्वा ही आपका काउंट कर रहा होगा, ठीक है भाई। एक्स आपके एच आउट हो जाएंगे इसमें आपके क्रब्स आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 7 डेज, ठीक है भाई। 7 डेज के प्रोसेस के बाद, हैचिंग प्रोसेस के बाद एग्स जो है आपके कन्वर्ट आपके आपके हो जाएंगे उसके अंदर आपके, यानी कि ग्रब्स यानी कि लार्वा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। ग्रब्स जो है आपके एंटर कर जाएंगे इसके अंदर आपके वस्कुलर टिश्यू, ठीक है भाई, इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। वास्कुलर जो टिश्यू होगा प्लांट का वो उसके अंदर आपका बोर कर जाएंगे, उसके अंदर आपका एंट्री कर जाएंगे, ठीक है भाई। और प्लांट क्या करेगा कुछ समय बाद ही जो है आपका जब वास्कुलर कनेक्शन ही कट हो जाएंगे, वास्कुलर कनेक्शन ही डैमेज हो जाएगा, तो इट मींस आपकी सप्लाई रुक जाएगी किसकी, वाटर की और आपके फूड की, इट मींस जाइलम और जो फ्लूइड जो वास्कुलर आप कर रहे हैं कंट्रक्शन का आपका काम कर रहे हैं भी आपका जो है आपका जो है आपका डैमेज कर देते हैं टोटली, जिससे प्लांट क्या करता है आपका डाई कर जाता है आफ्टर सम टाइम जैसे आपका इन्फेक्शन आपका होगा, ठीक है भाई। ग्रब्स जो है आपका वो इसमें में आपका टाइम्स जो लाइफ स्पेन है ग्रब्स का वो कितना है आपका, कितना होगा आपका 50 डेज तक आपका काउंट होता है। तो लॉन्ग है आपका, और अगर इसका इन्वेस्टेशन आपका काफी हैवी होता है तो हम मान के चल सकते हैं कि काफी को बहुत ज्यादा आपका डैमेज कर सकते हैं क्योंकि वस्तु आपका अटैक करता है जिससे क्या होगा आपका प्लांट्स आपका डाई कर जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपकी जो स्टेज है तो दो चीजें आपकी भाई एग्स और आपका ग्रब्स,
थर्ड वन जो एग्स क्रब्स और ग्रब्स के पौधा कहा जाता है आपका नेक्स्ट डिनर की कर सकते हैं ठीक है भाई। ये जो भी आपको बता सकते हैं जो प्यूपा है तो प्यूपेशन आपका होगा इनसाइड द टनल्स ठीक है भाई, और ये आपका 10 टू 13 डेज आपको काउंट करता है। प्यूपेशन अकर्स इनसाइड द वास्कुलर टनल्स ये आपका आपने मैं अभी आपको बताया 10 to 13 ठीक है नहीं देखिए तो प्रिपेशन जो है आपका प्रिपेशन यानी कि जो ग्रब्स है ग्रब्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज की ट्यूब आती है वो आपका प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा किसके अंदर होगा आपका जो टनल्स आपकी बनाई जाती है किसके द्वारा ग्रब्स के द्वारा जिसमें आपके वस्कुलर आपके जो आपके बंडल्स है उसके अंदर तो वहां पर ही आपको प्रिपेशन होगा और ग्रब्स जब आपको कंप्लीट साइज आपको अटेंड करने का कर लेगा उसके बाद आपका जो है प्यूपा बनेगा बनने के लिए आपका 10 to 13 हो जाता है ठीक है। दैट इज योर फॉर्मल स्टैंड देन लास्ट विल अडल्ट जो आपके डेट जो आपके वस्कुलर कनेक्शन है आपका ठीक है जिसमें आपका डेट जो स्टेम हो गया आपका ठीक है डेट स्टेम से ठीक है भाई अडल्ट आपकी इमर्ज आउट हो जाएगी किससे आपके डेट स्टेम से आपकी इमर्ज आउट हो जाएगी और जैसे ही वो आपकी इमर्ज आउट होंगे तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए वो आपके सर्वाइव करेंगे तो किसके आपके लीफ एंड फ्लोर लीव्स और फ्लोवर पे जो है वो आपके फिर से सर्वाइव करना शुरू कर देंगे। तो ये था आपका पूरा लाइफ साइकिल क्या है इसका आपका आपका द कॉटन ग्रेवी व्हील ठीक है भाई। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉटन ग्रेवी व्हील है यानी कि आपके कॉटन के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में आप बात करते हैं व्हील जो है वो आपका बीटल्स के रूप में हम काउंट करते हैं और हिंदी में आपको फूल के रूप में हम जानते हैं। इनके जो ग्लास हुए आपके इंसेक्टा में काउंट होगी बॉर्डर जो आपका कलेक्टेरा जिसमें सीथ विंग्स मिलेंगे विंग्स पर आपकी हार्ड कोटिंग आपकी काउंट होती है। फैमिली जो आपका ऐसी फैमिली के अंदर आपके जो है लॉन्ग स्नाउट वाले आपके इंसेक्ट काउंट होते हैं ठीक है। लॉन्ग स्नाउट जो आपका लॉन्ग होता है वो आपके यहाँ पर आपके काउंट होंगे। डार्क ग्रे कलर का काउंट होगा 4 मिलीमीटर की लेंथ होती है व्हाइट और ब्राउन मार्किंग काफी होते हैं ठीक है भाई। हैबिट्स में लाइफ स्पैन जनरली जो आपका काउंट होता है 30 डेज का ठीक है भाई। और जो ग्रब्स हैं आपके वो आपके बोर कर जाएंगे जिसके अंदर आपके वस्कुलर टिश्यू के अंदर ग्रब्स यानी कि आपके लार्वा आपके काउंट होते हैं। लाइफ साइकिल जब आपका बात करेंगे तो आपके 5 जनरेशन एक साल में आपकी आती है और 70 डेज में इसकी लाइफ साइकिल कम्प्लीट होती है। एग्स सबसे पहले आपका एग्स जो आपके 20 to 30 के ग्रुप में आपका कहा दिया जाता है इनसाइड द बार्क ऑफ द स्टेम ठीक है। जो प्लांट होता है कोकन का उसकी बार्क के नीचे आपके उसकी छाल के नीचे आपको दिए जाएंगे ओवल शेप में होंगे छोटे होते हैं। सेकंड ग्रब्स आपकी जो स्टेज आती है वो आपके जो एग्स है जो आपके हैच आउट हो जाएंगे जिसके अंदर आपके ग्रब्स मीन्स लार्वा के अंदर आपका 7 डेज का आपका प्रोसेस काउंट होगा ठीक है भाई। ग्रब्स आपकी एंट्री कर जाएंगे जिसके अंदर आपके वस्कुलर आपके टिश्यूज के अंदर ऑफ द प्लांट ठीक है भाई जिससे आपका जो है वस्कुलर टिश्यू 100% डैमेज कर देंगे जिससे प्लांट आपका तुरंत डाई कर जाएगा ठीक है भाई। और जो ग्रब का जो लाइफ आपका है ठीक है वो 50 डेज तक आपका काउंट होता है। प्यूपा है आपका जो प्यूपेशन है वो आपका 10 to 13 डेज तक आपका काउंट होता है और जो टनल्स वस्कुलर टनल्स जो आपकी बनाई जाती है उसके अंदर ही वो आपका होता है। अडल्ट जो आपका वो डेड जो आपकी स्टेम जो बनी है आपकी उन्हीं से आपका इमर्ज आउट होता है और फिर आकर के आपकी जो लीव्स और फ्लोवर पर आपका सर्वाइव करता है ठीक है भाई। अब बात आती है डैमेज ठीक है भाई। प्यूपा और अडल्ट दोनों ही आपका जो है मैक्सिमम डैमेज आपका करते हैं ठीक है भाई। और जो इल्ड है आपकी अगर आपका अकाउंट हो जाती है तो आपको 25% ठीक है।
इसका पेस्ट का इंफेस्टेशन होता है इंसेक्ट 20% तक उसकी जो है फील्ड की आपकी डाउन हो सकती है। ठीक है भाई, अब बात आती है फिर इसके कंट्रोल की। ये अभी कंप्लीट है आपका, ठीक है, डैमेज आपके दोनों करेंगे कौन, आपका और अंडर। लास्ट पॉइंट आपका काउंट होता है क्या, कंट्रोल का। हम इस इंसेक्ट पेस्ट को आपका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, फर्स्ट वन आपका स्ट्रॉन्ग आपका अवॉइड रेटून, ठीक है भाई। रेटून क्रॉप्स को हमें अवॉइड करना है। रेटून क्रॉप्स किस तरह होता है, ऐसे फसलें जिन्हें हम आपका ग्राउंड लेवल से या मिट्टी के लेवल से अपर का हम वो काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, जिनकी जड़ें जो है आपकी मिट्टी में वहां पर रह जाती हैं, तो वहां पर उन्हें जो है होस्ट मिल सकता है। ऐसे इंसेक्ट पेस्ट को बहुत ही जल्दी आपका होस्ट मिल सकता है, जो होस्ट मिल जाएगा तो वो आपकी कर सकता है, ठीक है भाई। लेकिन रिमूव ऑल स्टम्प्स, जिस भी हम उसके अंदर आपका फील्ड के अंदर आपका क्रॉपिंग कर देते हैं, और क्रॉपिंग करने के बाद आपका जितने भी आप इस प्रकार के जो रूट्स वगैरह आपकी बचते हैं, तो डीप प्लोइंग या हमने बहुत अच्छे तरीके से आपका जितने भी आपके स्टम्प्स हैं, जैसे हम आपका जो है कोई भी इस प्रकार का प्लांट हम ग्रो करते हैं, तो उसके जो है आपको बिल्कुल आपका वहां से रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका डीप प्लोइंग, जब हम खेत में आपका जो हैरो ट्रैक्टर चलता है तो उसकी प्लोइंग जो है वो डीप होनी चाहिए, ताकि जो रूट्स हैं और रूट्स के जो पार्ट्स हैं आपके वो कहीं पर आपके बच ना पाए, वो आपके कंप्लीटली यहाँ पे बाहर आ जाए, ठीक है भाई। उसके बाद आपका 0.1% आपका जो इंफेस्टेड प्लांट है, एक आप ठीक है, अगर हमें पता चल जाता है स्टार्टिंग में कि वहां पर कोई प्लांट आपका इंफेस्टेड हो गया है किससे, आपके बटन ग्रेविल से, आपके डिटेल से, तो हम उस सिंगल या आपके दो चार जो पांच ऐसे प्लांट होते हैं उन्हें वहां से उखाड़ करके आप उन्हें हम जला सकते हैं, उन्हें बरेड कर सकते हैं, ताकि हमारे दूसरे जो क्रॉप्स है वो कंप्लीट आपका बच जाए, ठीक है। उसके बाद आपका वही 0.1% डाई एल्ड्रीन, 0.1% डाई एल्ड्रीन कैन बी स्प्रेड। जो डाई एल्ड्रीन आपका एक केमिकल आपका आता है, ठीक है, उसे हम आपका वाटर के अंदर मिक्स करके 0.1%, ठीक है भाई, ओनली 0.1% उसे मिक्स करके आपका जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका कंप्लीट जो है आपका कॉटन ग्रे विविल के बारे में, आपका सारा सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रीवेंस ऑफ प्लांट आपका, और उसकी हैबिट्स क्या होती हैं, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर आपके चार स्टेज आती हैं, और पूरे ये इसकी पांच आपकी काउंट होती है, ठीक है भाई। डैमेज आपका जो है पुपा और आपका अडल्ट दोनों स्टेज आपकी काउंट करती हैं, और ज्यादा इन्फेस्टेशन आपके हैं, और इन्हीं बेस से इन्हीं तरीकों से हम जो है इस इंसेक्ट को कर सकते हैं। ये बात आपका कंप्लीट द कोटन ग्रे विविल के बारे में।